कागार। एक वक्त की बात है, किसी गांव में दो भाई रहा करते थे जो खेती बाड़ी करते थे। एक का नाम बिट्टू था और दूसरे का नाम मीठा था। बिट्टू इंतहाई शरीफ और भोला था, जबकि मीठा बहुत चालाक था। बिट्टू अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। बिट्टू सारा दिन खेत में हल चलाता, जबकि मीठा आराम करता था। अरे बिट्टू जरा तेज हल चला, सारा खेत में हल चलाना है। इस तरह कछुए की चाल चलेगा तो खेती कैसे होगी? भाई जान, मैं हल चला रहा हूँ सुबह से, अब काफी थक गया हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बिट्टू ये तूने क्या बात कर दी, अपने बड़े भाई से हल चलवाएगा? कुछ तो शर्म कर। हाय मैं मर क्यों ना गया ये बात सुनने से पहले, आज बहुत दुख हो रहा है मुझे। भाई सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं अब आपको नहीं कहूँगा, मैं सारा हल खुद चला लूँगा। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी को पैसे देकर कहता है, बेगम मैं कुछ दिनों के लिए शहर खेत का सामान लेने जा रहा हूँ, तुम ये पैसे संभाल के रख लो, मैं वापस आकर इन पैसों से खेत का सामान ले लूँगा। अजी मैं ये पैसे कहाँ संभाल के रखूँगी, आपको पता तो है गांव में बहुत चोरियाँ होती हैं। आप ये पैसे अपने भाई के पास रखवा दो। हाँ बेगम, तुमने ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है, मैं ये पैसे भाई के पास जाकर रखवाता हूँ। वहाँ मीठा अपने घर में बैठा था कि उसकी बीवी कहती है, अरे मिठे सारा दिन तो खेत में हल चला रहे हैं, थोड़ा काम उसे मोटे बिट्टू से भी करवा लिया कर। वो मेरा छोटा भाई है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उससे काम करवाऊं। अब तो फिर उसको खेत के पैसे क्यों दे रहे हैं, सारा काम तो खुद करे तो सारे पैसे भी खुद ही रखा कर। हाँ तो परेशान क्यों होती है, इस बार सारा पैसा खुद रखूंगा, इस बिट्टू ने बहुत मजे ले लिए हैं। इतने में बाहर से आवाज आती है, बेटे भाई जरा बाहर आना, मुझे आपसे एक काम है। गया तेरा मोटा भाई, जा सुन क्या कह रहे हैं। फिर मीठा बाहर आता है, कहता है, मीठे भाई मैं शहर जा रहा हूँ खेत का सामान लेने, ये पैसे आप अपने पास रख लो, घर में बहुत चोरी होती रहती है, मैं आकर आपसे पैसे ले लूँगा। बिट्टू ये तुमने बहुत अच्छा किया जो पैसे मेरे पास रखवा रहे हो, अब तुम्हारे पैसे बहुत महफूज है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ शहर, दो तीन दिन में आपके पास वापस आकर आपसे पैसे ले जाऊँ। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया तो मीठा सोचने लगा, जा बिट्टू तेरा अल्लाह हाफिज, तूने मुझे पैसे देकर मेरा काम आसान कर दिया है, अपने पैसों से खूब मजे करूँगा, वाह मेरे तो मजे ही हो गए, आज तो मुर्ग कोरमा बनवाऊंगा। फिर मीठा अंदर आता है तो उसकी बीवी पैसे देखकर कहती है, अरे मिठे तेरे पास इतना पैसा कहाँ से है? अभी बिट्टू आया था तो उसने मेरे पैसे देने थे, वो देकर गया है। अरे वाह मिठे, मेरी तो निकल पड़ी, मुझे सोने का हार बना कर दे। अरे तू पागल तो नहीं हो गई, सोने का हार और तुझे बना कर दूँ, अपनी शक्ल के हिसाब से बात किया कर, जिस तरह की तेरी शक्ल है उस हिसाब से तो जूतों वाली पॉलिश बनती है, और तू सोने का हार मांग रही है। मिठे मेरे से ज्यादा बदतमीजी ना करियो, इधर ही लंबा डाल कर तेरे ढेर पे लात मारूंगी, मुझे आज सोने का हार बना कर दे। अच्छा अच्छा, ज्यादा मरने वाली ना हो, दिलवा देता हूँ तुझे सोने का हार। अरे मिठे थोड़े तो मुझे खुश कर दिया, चल भाग कर जा मेरे लिए सोने का हार लेकर आ। फिर मीठा उन पैसों से अपनी बीवी को सोने का हार दिलवा देता है। फिर बिट्टू दो दिन बाद अपने घर आता है तो अपनी बीवी को कहता है, बेगम मैं मीठे भाई के पास जा रहा हूँ अपनी अमानत वापस लेने के लिए। ठीक है, आप उनसे पैसे लेकर खेत के लिए सामान ले आए। फिर बिट्टू मीठे के पास आता है, मीठे भाई आप मुझे वो पैसे वापस कर दे, मैं खेत के लिए बाकी का सामान लेकर आता हूँ। बिट्टू वो पैसे मुझसे खर्च हो गए हैं, आपकी भाभी जान को सोने का हार दिलवा दिया है मैंने। बिट्टू भाई वो खेत के पैसे थे, वो अमानत थी मेरी। बिट्टू मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुम उससे तमीज से बात कर, तुम्हारी भाभी को सोने का हार लेकर देना बहुत जरूरी था, वरना वो मुझे लंबा करके मेरे डेड पर लात मार दी, तो तुम क्या बर्दाश्त करते कि तुम्हारे बड़े भाई को मार पड़ रही है। बिट्टू भाई आपने बहुत गलत किया है, आपने मुझे धोखा दिया है। बिट्टू तुझे बात करने की तमीज नहीं है, यहाँ से दफा हो जा। बिट्टू बहुत उदास हुआ और वहाँ से चला गया और परेशानी की हालत में जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि एक गार है जिसका एक दरवाजा है और उसके पास एक चुड़ैल खड़ी है। मंगड़ भंगड़ पुइये पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर भंगड़। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा तो दरवाजा खुल गया और चुड़ैल अंदर चली गई। यार ये चुड़ैल यहाँ कैसा बटर पड़ रही है, इससे गार का दरवाजा खुल गया है। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल उस गार से निकली और गार का दरवाजा बंद हो गया और चुड़ैल वहाँ से चली गई। फिर बिट्टू उस गार के पास गया और वही मंत्र पढ़ा, बंगड़ बंगड़ पुइये पुड़ंगड़, खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़। ये
कहा तो दरवाजा खुल गया और बिट्टू अंदर चला गया। तो वो देखकर हैरान रह गया कि अंदर बहुत सारा सोना था। यार यहाँ तो बहुत सारा सोना है, मैं तो बहुत अभी हो जाऊंगा और मैं खेती भी जोड़ दूंगा। वैसे भी बीजे भाई ने मुझे बहुत जलील करके रखा हुआ है। फिर बिट्टू काफी सारा सोना लेकर घर से बाहर आ गया और घर का दरवाजा बंद हो गया। फिर बिट्टू घर आया और अपनी बीवी को कहा, बेगम मैं जंगल में गया था तो वहाँ एक घर था जिसमें चुड़ैल थी और चुड़ैल एक बंकर पढ़ रही थी। बंगड़ बंकर पुया पुड़ंगड़ कुलजा दरवाजा बंकर बंगड़। तो दरवाजा खुल गया तो बहुत सारा सोना था, अब अभी हो जाएगी। बाहर मीठा खिड़की से ये बातें सुन रहा था। बंगड़ बंगड़ पुया पुड़ंगड़ कुलजा दरवाजा बंकर बंगड़। ये मंत्र तो मुझे याद हो गया है, अब मैं भी उस घर में जाकर सारा सोना लेकर आता हूँ ताकि बिट्टू वहाँ से और सोना ना निकाल सके। फिर मीठा जल्दी से अपनी बीवी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। अरे मिट्टे तूने तो आज जो काम किया मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया है, अब जल्दी से घर में जाओ, सारा सोना समेट गया यो। फिर मीठा बैलगाड़ी पर उसी जंगल में निकला। अब मैं सारा सोना इस बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर आऊंगा और सोने वाला सेठ बन जाऊंगा। फिर मीठा घर के दरवाजे पर पहुंचा और वही मंत्र पढ़ने लगा। बंगड़ बंगड़ पुया पुड़ंगड़ कुलजा दरवाजा बनकर बंगड़। ये कहा तो दरवाजा खुल गया। फिर मीठा अंदर चला गया तो वो सोना देखकर हैरान रह गया। इतने में मीठे की नजर सामने चुड़ैल पर पड़ी तो मीठा उसे देखकर डर गया। लालची इंसान तू यहाँ क्या करने आया है, ये मेरा कार है। चुड़ैल बाजी मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मैं यहाँ सोना लेने आया हूँ। अरे ये हिम्मत कि तू मेरा सोना लेने आया है, तुझे अभी मजाक चखाती हूँ। फिर चुड़ैल ने मीठे को दीवार से बांध दिया। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ लटका रहे, चुड़ैल का सोना लेने आया था। अरे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल बाजी मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और मीठा वही लटका रह गया। दो दिन गुजर जाते हैं और मीठा घर नहीं आता तो उसकी बीवी बहुत परेशान होती है। अरे ये मिठा अभी तक घर क्यों नहीं आया, दो दिन हो गए हैं, कहीं मिठा मरमराता नहीं गया, बहुत परेशानी हो रही है। सोना लेने गया तब पता नहीं वहाँ जाके सो गया है, मैं बिट्टू के पास जाकर सब बताती हूँ। फिर मीठे की बीवी बिट्टू के घर गई। बिट्टू अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि बाहर से आवाज आई। अरे बिट्टू मैं तेरी भाभी जरा बाहर आई है, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। यार ये भाभी इस वक्त घर से आई है, इन्हें क्या परेशानी हो गई है, मैं जाकर पूछता हूँ। फिर बिट्टू बाहर आया और कहा, जी भाभी जान क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना, आप बहुत परेशान लग रही है। अरे बिट्टू बात की बहुत परेशानी वाली है, अब तुझे क्या बताऊँ, क्या गजब हो गया है। भाभी जान आप मुझे क्यों परेशान कर रही है, जल्दी से बताए ना क्या बात है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। अरे बिट्टू तेरा भाई मिट्टा दो दिन हो गए अभी तक घर नहीं आया। भाभी जान मेरे भाई कहाँ चले गए। बिट्टू उसी घर में सोना लेने गया था जहाँ से तू सोना लेके आया है। पर भाभी बेटे भाई को उस घर का कैसे पता चला। बिट्टू जब तू सोना लेके आया था तब वो तेरे कमरे के बाहर खड़ा होके सुन रहा था और उसने घर का दरवाजा खोलने वाला मंत्र भी याद कर लिया था। बंगड़ बंगड़ पुया पुड़ंगड़ खुल जा दरवाजा बनकर बंगड़, यही मंत्र था ना। हाँ भाभी मंत्र तो यही था। बस बिट्टू वो बैलगाड़ी लेकर उस घर में सोना लेने गया, अब दो दिन हो गए अभी तक नहीं आया। भाभी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस घर में चुड़ैल रहती है, वो बहुत सारी चुड़ैल है, मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल भाई को खा ना जाए। अरे बिट्टू ऐसी बात तो ना करियो, तेरे भाई का गोश्त बहुत जहरीला है, वो चुड़ैल खावेगी तो मर जावेगी, उसने उसे नहीं खाया होगा, पकड़ लिया होगा, तू जाकर उसको छुड़वा। अच्छा भाभी अब परेशान बैठो, मैं कुछ करता हूँ, आप घर जाकर आराम करे, मैं भाई को छुड़वा कर लेकर आता हूँ। फिर मीठे की बीवी वहाँ से चली गई और बिट्टू खेत में जाकर सोचने लगा, यार अब मैं मीठे भाई को कैसे वापस लेकर आऊँ, अगर मैं हार में गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मीठे भाई को भी चुड़ैल से छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ मुझे आइडिया आया, मैं घर के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और अगर घर का दरवाजा खुला हुआ हुआ तो इसका मतलब चुड़ैल अंदर है, फिर जब वो बाहर निकल जाएगी तो मैं डर जाकर मीठे भाई को छुड़वा लूँगा। बिट्टू उसी घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। बिट्टू बहुत खुश हुआ, शुक्र है ये घर का दरवाजा खुला हुआ है, अब मैं चुड़ैल के निकलने का इंतजार करता हूँ। अंदर मीठा चुड़ैल को कहने लगा, चुड़ैल बाजी जानो मैं बहुत थक गया हूँ,
थोड़ी देर के लिए मुझे नीचे उतार दो। चुप करके लटका रहेगा अपन, तू उस वक्त तक लटका रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता। चुड़ैल बाजी, मेरी प्यारी चुड़ैल बाजी, ऐसा तो मत कहो, आपको आपकी खूबसूरती की कसम मुझे छोड़ दो। खूबसूरती? कल तो तू मुझे मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल कह रहा था। चुड़ैल बाजी, बंदा मजाक भी ना करे, अगर बंदा अपनों के साथ मजाक ना करे तो फिर किसके साथ करे? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको मजाक नहीं पसंद तो आईंदा नहीं करूँगा। तू जिंदा बचेगा तो मजाक करेगा, तू यहीं पर सड़कर मर मत जा रही हो। चुड़ैल बाजी, मुझे तनहा मत छोड़कर जाओ, आपको आपके सिल्की नरम मुलायम और हसीन बालों की कसम मुझे माफ कर दो। चुप कर, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मेरे साथ, मैं जा रही हूँ। यार बहुत देर हो गई है, ये चुड़ैल अभी तक बाहर नहीं निकली। बिट्टू अभी ये कह ही रहा था कि चुड़ैल गार से बाहर निकल आई और गार का दरवाजा बंद हो गया। शुक्र है ये चुड़ैल यहाँ से चली गई है। फिर बिट्टू उस गार के पास आया और वही मंत्र पढ़ा। भगड़ भगड़ पुरिया पुरा गया, उनका दरवाजा भगड़ भगड़। बिट्टू गार के अंदर गया तो उसने देखा कि मीठा दीवार से लटका हुआ है। बिट्टू मेरे भाई, मुझे चुड़ैल ने पकड़ लिया है, मुझे यहाँ से छुड़वा, वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। वो बहुत गंदी चुड़ैल है, उसकी शक्ल भी बहुत मनहूस है। बिट्टू भाई, आपको किसने कहा था कि इस घर में आओ? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे यहाँ से निकाल। भाई आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको चुड़ैल से छुड़वाता हूँ। फिर बिट्टू मीठे की टांग पकड़कर खींचने लगा, लेकिन मीठा वहाँ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीठा भाई, चुड़ैल ने आपको बहुत मजबूती के साथ दीवार से लटका दिया है, आप नीचे नहीं उतर रहे। बिट्टू मुझे अपने पूरे वजन से खींच। मीठा भाई, मैं आपको पूरे वजन से नीचे खींच रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसे से चिपकाया गया हो। बिट्टू मुझे छोड़ कर मत जा। मीठे भाई, आपको किस पागल कुत्ते ने काटा था जो आप छोड़ा चोरी करने के लिए आ गए? अब मैं चलता हूँ, दोबारा आपको छुड़वाने के लिए आऊँगा। हाँ उस वक्त आए जब चुड़ैल मेरे लजीज गोश्त के सीख कबाब बना कर खा जाए। फिर बिट्टू गार से निकल आया और गार का दरवाजा बंद हो गया और बिट्टू परेशानी की हालत में जंगल में पहुँचा और कहने लगा, अब मीठे भाई आपको कैसे छुड़वाऊँ? चुड़ैल ने आपको बहुत बदबूती के साथ लटकाया हुआ है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कहीं चुड़ैल वापस आ जाए। बिट्टू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे सामने एक बुजुर्ग नजर आए। यहाँ ये बुजुर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर बिट्टू उन बुजुर्ग को कहने लगा, बाबा जी आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताएं। मदद की मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जरूरत है। बाबा जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है और तुम उसकी वजह से बहुत परेशान हो। बाबा जी आप तो काफी पहुँचे हुए इंसान है। बाबा जी मैं अपने भाई की वजह से बहुत फिक्र मंद हूँ, मेरी मदद करें, मैं भाई को कैसे चुड़ैल से छुड़वाऊँ? यहाँ से कई मील दूर घर में है खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर इस चुड़ैल की जान है, अगर तुम उस खोपड़ी को जला दो तो ये चुड़ैल मर जाएगी, मगर पहले ये खोपड़ी उस घर में रखनी पड़ेगी, और एक बार जब ये खोपड़ी वहाँ रख दी जाए तो ख्याल रहे कि ये अपनी जगह से ना हिले, वरना ये चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। पर बाबा जी अगर मैं ये खोपड़ी निकले वहाँ गया और चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम ये मोमबत्ती जला कर अंदर जाना, अगर चुड़ैल ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो जब तक ये मोमबत्ती बुझेगी तुम आजाद हो जाओगे। बाबा जी आपने तो बड़ा काम आसान कर दिया है, मैं खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर अंदर जाता हूँ और खोपड़ी रख कर वापिस आपके पास आता हूँ। फिर बिट्टू वो खोपड़ी और मोमबत्ती लेकर गार के अंदर आ गया। बिट्टू मेरे भाई, ये क्या लेकर आया है? मेरे भाई आप चुप कर जाओ, मुझे अपना काम करने दो, ये मुझे बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग ने दिया है, वो बहुत पहुँचे हुए इंसान है। अगर वो इतना पहुँचा हुआ है तो उसे क्या यहाँ पहुँच और मुझे छुड़वा। मेरे भाई आप चुप हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। फिर बिट्टू ने जली हुई मोमबत्ती और वो खोपड़ी वहाँ रख दी और बाहर चुड़ैल गार के पास आई। ये गार का दरवाजा कैसे खुला है, लगता है फिर कोई इंसान आया है। फिर चुड़ैल गार के अंदर आ गई और बिट्टू उसे देखकर डर गया।
अरे बाप तेरा, मोटा मोटा गोश्त खाने का बहुत मजा आएगा, अब तू भी दीवार पर लटक जा। फिर चुड़ैल ने बिट्टू को गार से लटका दिया। चुड़ैल बाजी बैठो बजा से गुजर रहा था तो मैंने ये घाट देखा और अंदर आ गया। मैं एक बहुत मासूम लड़का हूँ, मुझे जाने दो। चुप कर जा मोटे गोश्त वाले, आज तो मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं कुछ देर सोने के लिए जा रही हूँ। फिर चुड़ैल सोने के लिए चली जाती है और मीठा और बिट्टू लटके रहते हैं। बिट्टू अब तो तू भी पकड़ा गया है यहाँ पर, और हमारे घर भी किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, तो अब हमें कौन छुड़वाएगा? लीटे भाई, मैं जिस बुजुर्ग से ये बम बट्टी लाया हूँ वो बुजुर्ग बहुत पहुँचे हुए हैं, और अब ये बम बट्टी ही मुझे आजाद करवाएगी। बिट्टू वो कैसे, जरा मुझे भी तो पता चले। लीटे भाई, जैसे ही बम बट्टी बुझ जाएगी वैसे ही मैं आजाद हो जाऊँगा। बिट्टू क्या मतलब, तुम आजाद हो जाओगे और मैं कहाँ जाऊँगा? लीटे भाई, आपको आजाद करवाने के लिए यहाँ से कई मील के फासले पर एक घर है, उस घर के अंदर एक खोपड़ी है, जब मैं उस खोपड़ी को आग लगाऊंगा तो ये चुड़ैल बन जाएगी और आप भी आजाद हो जाओगे। वाह बिट्टू मेरे भाई, मुझे जल्दी से आजाद करवाओ। हाँ बिट्टू भाई, बस आप इस मोमबत्ती के बुझने का इंतजार करो। इतनी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और बिट्टू दीवार से नीचे उतर जाता है। बिट्टू को देखकर मीठा कहता है, बिट्टू मेरे भाई तुम आजाद हो गए हो, अब जल्दी से उस घर में जाकर उस खोपड़ी को आग लगा दो ताकि मैं भी जल्दी से आजाद हो जाऊँ। हाँ बिट्टू भाई, मैं अब आपको जल्दी से आजाद करवाता हूँ, पहले मैं उस बुजुर्ग के पास जाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, जल्दी करना। फिर बिट्टू घर से निकल जाता है और उसी बुजुर्ग के पास आता है। बाबा जी, आपने ठीक कहा था, जैसे ही वो बिट्टी बुझी मैं आजाद हो गया वहाँ से। हाँ बेटा, मैं ठीक कहता हूँ, अब तुम उस घर में जाओ जहाँ वो खोपड़ी पड़ी है और जाकर उसे जला दो ताकि ये चुड़ैल मर जाए। ठीक है बाबा जी, मैं उस घर को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। यार मैंने, मुझे भाभी के पास जाना चाहिए और ये सब कुछ बताना चाहिए। फिर बिट्टू अपनी भाभी के पास आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। अरे बिट्टू, ये तेरे भाई की जिंदगी तो तू ही बचा सके है, जाकर उस खोपड़ी को जला दे ताकि ये चुड़ैल मर जावे। अगर तेरा भाई न बचा तो उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। भाभी आप भाई से इतना प्यार करती है? उससे तो कोई प्यार व्यार न करती मैं, उसने मेरे 10,000 रुपए देने हैं उधार वाले, वो दे दे फिर मर जावे या जीवे, मेरे को कोई फर्क न पड़े है। भाभी आपका भाई की बीवी है, आपको उसे बहुत प्यार करना चाहिए। अरे बिट्टू, मैं मजाक कर रही थी तेरे साथ, उससे मैं बहुत प्यार करे हूँ। तू उस घर में जा, मैं तेरे लिए खाने का सामान बांध देती हूँ। फिर बिट्टू खाने का सामान लेकर उसी जंगल की तरफ जाता है और घर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे घर नजर नहीं आता। यार अभी तक कोई घर नजर नहीं आया, मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, मुझे कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। फिर बिट्टू थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है घर यहाँ से बहुत करीब है, मुझे हिम्मत करनी चाहिए और घर को ढूंढना चाहिए। फिर बिट्टू दोबारा उठता है और घर ढूंढने निकलता है तो उसे करीब एक घर नजर आता है और बिट्टू उस घर को देखकर कहता है, यार ये तो वही घर है जो मुझे बाबा जी ने बताया था, मुझे इस घर के अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर ही वो खोपड़ी होगी जिसके अंदर उस चुड़ैल की जान है। फिर बिट्टू उस घर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि अंदर एक खोपड़ी पड़ी है और साथ ही वही चुड़ैल खड़ी है। अरे यार ये तो वही चुड़ैल है जो उस घर के अंदर थी जहाँ बीटे भाई है, मगर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये चुड़ैल इस खोपड़ी की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर खड़ी है। मुझे यही खड़े होकर इस चुड़ैल के जाने का इंतजार करना चाहिए ताकि फिर मैं इस खोपड़ी को आग लगा सकूँ। फिर कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली गयी तो बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी। जैसे ही बिट्टू ने खोपड़ी को आग लगाई, वहाँ चुड़ैल के घर में वो चुड़ैल मीठे के सामने गिरकर मर गई। या हो, लगता है बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी है जिसमें इस चुड़ैल की जान थी। अब बिट्टू मेरे भाई जल्दी से आ जाओ, मुझे नीचे उतारो। अब मैंने इस खोपड़ी को आग लगा दी है, अब लगता है वो चुड़ैल मर गई होगी। फिर बिट्टू उस घर से निकला और उन बुजुर्ग के पास आया। बाबा जी, मैंने उस खोपड़ी को आग लगा दी है, अब मैं बेटे भाई को चुड़ैल से छुड़वाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम अपने भाई को छुड़वा सकते हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, उस घर में जो खोपड़ी है वो अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए।
चुड़ैल दोबारा जिंदा हो जाएगी। जी बाबा जी मुझे पता है, मैं बहुत एहतियात से उस घर के अंदर जाकर बीटे भाई को छुड़वाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। फिर बिट्टू उसी घर में गया और कहा, भाई आपने देखा ना, ये चुड़ैल बढ़ गई है। मैंने आपको कहा था वो बुजुर्ग बहुत बोझे हुए हैं। हाँ बिट्टू मेरे भाई, तूने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे ही तूने वहाँ खोपड़ी को आग लगाई, ये चुड़ैल बढ़ गई। बिट्टू मेरे भाई, अब मुझे नीचे उतार दो। फिर बिट्टू ने मीठे को नीचे उतार लिया और बिट्टू और मीठा घर आ गए। बिट्टू तूने मुझे इस चुड़ैल से आजाद करवाया है, मैं तुझे बहुत सारा सोना दूंगा। पर भाई आपके पास सोना कहाँ से आ गया? बिट्टू मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे से बहुत ज्यादा अमीर हूँ। अपने घर जा, तुझे सोना मिल जाएगा। बेगर हमारे मजे हो गए हैं। इतने दिनों से चुड़ैल ने तेरी गिच्ची दबा कर तुझे पकड़ के रखा हुआ था, तेरे कैसे मजे हो गए? अरे मेरी कमरी और बोली बेगम, बिट्टू को एक बुजुर्ग मिले थे। हाँ बिट्टू मुझे बता रहा था। तो बेगम, बिट्टू ने उस खोपड़ी को आग लगा दी जिसमें चुड़ैल की जान थी, तो वो चुड़ैल मर गई है। अब सारा सोना हमारा है। अरे बिट्टू ये बात तो मेरे जान में नहीं आई। हम तो सोने के घर के मालिक बन गए हैं। अब तो मैं अपना बिस्तर भी सोने का बनाऊंगी और उस पर मजे मजे से सोऊंगी। चल बेगम, अब बैलगाड़ी पर सोना लेने चलते हैं। फिर मीठा और उसकी बीवी बैलगाड़ी पर उसी गार के पास आ गए। फिर मीठे ने वही मंत्र पढ़ा तो गार का दरवाजा खुल गया और मीठा और उसकी बीवी अंदर चले गए। मीठे की बीवी सोना देख के हैरान हो गई और कहने लगी, अरे मिट्टी, यहाँ तो बहुत सारा सोना है, हमारी तो निकल पड़ी, अपने तो मजे हो गए। हाँ बेगम, अब मैं सारा सोना इकट्ठा करता हूँ। फिर मीठा सोना उठाने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पांव उसी खोपड़ी पर पड़ गया और खोपड़ी अपनी जगह से हिल गई, जिसकी वजह से वो चुड़ैल दोबारा जिंदा हो गई। ये मुझे नींद से किसने उठाया है? तू फिर आ गया है बगैर, तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मेरे से। अब तुम दोनों को दीवार से लटकाती हूँ और रोज तुम दोनों का गोश्त खाऊंगी। मैं भी अपनी खोपड़ी की आग बुझा कर आती हूँ जिसमें मेरी जान है। फिर चुड़ैल ने मीठा और उसकी बीवी दोनों को दीवार से लटका दिया और वहाँ से चली गई। अरे मिट्टे, ये तो खोपड़ी की आग बुझाने चली गई है। अगर इसने खोपड़ी की आग बुझा दी तो फिर हमेशा के लिए हम गए। बेगम तू मुझे क्यों डरा रही है? तुझे पता भी है कि मेरा दिल बहुत कमजोर है। अरे मिट्टे, तूने तो अपने साथ मुझे भी मरवा दिया है। काश मैं तेरी बात तो बनाती। बेगम मुझसे कसम उठवा ले, मुझे बिट्टू ने यही कहा था कि चुड़ैल हमेशा के लिए मर गई है। मिट्टे चुड़ैल तो ना मरे, अब हम मर गए हमेशा के लिए। वो चुड़ैल आग बुझा के आवेगी तो फिर हमको आग लगा देगी। कहा वो चुड़ैल उसी गार में आती है और देखती है कि खोपड़ी को आग लगी हुई है। फिर चुड़ैल वो आग बुझा देती है। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी को कहता है, बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं मीठे भाई को गार से चुरा कर आया हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि वो मुझे बहुत सारा सोना देंगे। सोना और मीठे भाई तुम्हें देंगे? मुझे नहीं लगता, पहले भी वो तुम्हारे फसल वाले पैसे खा गए हैं। बेगम तुम मेरे भाई के बारे में बुरा मत कहो, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो मुझसे बहुत ज्यादा अमीर भी है, वो मुझे जरूर सोना देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो आपको सोना देंगे तो आप जाकर उनसे सोना ले आओ। ठीक है बेगम, मैं उनके पास जाता हूँ सोना लेने के लिए। फिर बिट्टू अपने घर से निकलता है और मीठे के घर आता है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि घर पर कोई नहीं है। यार ये भाई और भाभी कहाँ चले गए हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जब भी मैं घर आता हूँ कोई ना कोई घर पर मिलता था। बिट्टू परेशानी में अपने घर वापस आता है तो उसकी बीवी कहती है, जी बिट्टू साहब ले आए सोना। अरे बेगम आज बहुत अजीब हुआ है, मीठे भाई के घर कोई नहीं है। मैं जब भी घर जाता था एक बंदा घर पर लाज भी मिलता था, लेकिन अब कोई नहीं है। अजी इसमें परेशानी वाली क्या बात है? हो सकता है वो किसी काम से बाहर गए हुए हों। हाँ बेगम ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई, मैं दो तीन दिन बाद मीठे भाई के घर दोबारा जाता हूँ। फिर बिट्टू तीन दिन बाद मीठे के घर जाता है तो देखता है कि अभी भी घर पर कोई नहीं है। यार ये मीठे भाई और भाभी तीन दिन से घर पर नहीं है, ये कहाँ चले गए? कहीं ये दोबारा उस घर में तो नहीं चले गए सोना लेने के लिए? मैं उस घर के बाहर जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू घर के बाहर आकर देखता है तो उनकी बैलगाड़ी घर के बाहर खड़ी होती है। बिट्टू समझ जाता है
कि वो गार के अंदर है। आखिर मेरा शक ठीक निकला, ये मीठा भाई फिर नरक में फंस गया है। जरूर इसका पाँव उस खोपड़ी पर लगा होगा और वो चुड़ैल दोबारा जिंदा हो गई होगी और मीठे भाई को पकड़ लिया होगा। अब मैं इन्हें कैसे छुड़वाऊँ यार, मुझे उन बुजुर्ग के पास जाना चाहिए, अब वही कोई हल निकालेंगे। फिर बिट्टू उन बुजुर्ग के पास आता है। बाबा जी, चुड़ैल ने मेरे भाई और भाभी को पकड़ लिया है। लेकिन ये बेटा चुड़ैल तो मर गई थी। जी बाबा जी, चुड़ैल तो मर गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मीठे भाई जब दोबारा घर में गए होंगे तो उनका पाँव दोबारा खोपड़ी पर पड़ गया होगा और चुड़ैल दोबारा जिंदा हो गई होगी। तो तुमने अपने भाई को उस खोपड़ी के बारे में नहीं बताया था? बाबा जी, मैंने तो ये बात उनको बताना जरूरी नहीं समझी। मुझे क्या पता था कि भाई दोबारा घर में चले जाएंगे। मुझे लगता है तुम्हारा भाई बहुत लालची इंसान है, उसे उसकी लालच की सजा मिलनी चाहिए। बाबा जी ऐसा मत कहे, मेरा एक ही भाई है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, अब तुम अपने भाई को चुड़ैल से नहीं छुड़वा पाओगे, क्योंकि अब उस पर किसी चीज का असर नहीं होगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा जी आप कुछ करें, मेरे भाई को इस चुड़ैल से छुड़वाए। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर बिट्टू उदासी की हालत में वहाँ से चला जाता है और दरिया के किनारे खड़ा होता है और सोचता है, क्या अब मेरे भाई को इस चुड़ैल से कोई नहीं छुड़वा पाएगा। बिट्टू अभी ये सोच ही रहा होता है कि उसे आवाज आती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। फिर बिट्टू देखता है तो वहाँ उसी चुड़ैल का बच्चा होता है। बिट्टू उसे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी निकालता हूँ तुम्हें यहाँ से। चुड़ैल के बच्चे को वहाँ से निकाल लेता है। इतने में वही चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मोटे इंसान, तू मेरे बच्चे को दरिया में फेंक रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं चुड़ैल बाजी, मैंने इसे दरिया में नहीं फेंका, बल्कि मैंने इसकी जान बचाई है। मुझसे झूठ मत बोल, मैंने तेरे भाई को पकड़ लिया है, इसलिए तू मुझसे बदला ले रहा है और मेरे बच्चे को दरिया में फेंक रहा है। नहीं चुड़ैल बाजी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने तो इसकी जान बचाई है, आप इसी से ही पूछ लिए। हाँ बेटा बता, ये तुझे दरिया में फेंक रहा था? नहीं, अपनी जान मुझे दरिया में इसने नहीं फेंका था, बल्कि इसने मेरी जान बचाई है। मुझे मखोटा जिन दरिया में फेंक गया था, तभी ये भाई उतर आया और इसने मेरी जान बचा ली और मुझे दरिया से निकाल लिया। ओ लड़के, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया और तुझे दरिया में डालने का कहा। कोई बात नहीं चुड़ैल बाजी, गैर फहमी हर किसी से हो जाती है। तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी। चुड़ैल बाजी, आपने मेरे भाई और भाभी को पकड़ा हुआ है, आप इन्हें छोड़ दे। उसे नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा सोना चोरी करने आया था। चुड़ैल बाजी, मैंने आपके बच्चे की जान बचाई है, क्या आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। झूठ, वो तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, वो पैसों के लिए तेरी जान भी ले सकता है। चुड़ैल बाजी, आप मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो तू उस घर में जा, मैं वहाँ आ जाऊंगी और उसे कहूंगी कि मैं बिट्टू की जान लेकर तेरी जान छोड़ दूंगी, तो वह मान जाएगा और अपनी जान बचाने के लिए तुझे मरवा देगा। ठीक है, मैं घर में जाता हूँ, लेकिन ये सब झूठ होगा, तुम देख लेना। फिर बिट्टू उसी वार के पास आता है और वही मंत्र पढ़ता है। बंगर बंगर बुये बुड़ंगर, कुलिया दरवाजा बनकर बंगर। फिर बिट्टू अंदर चला गया। बिट्टू मेरे भाई, तू आ गया है मुझे छुड़वा दे, मुझे पता था कि मेरा भाई जरूर मुझे छुड़वाने आएगा। हाँ भाई, मैं आपको चुड़ैल से छुड़वाने आ गया हूँ। लव यू मेरे भाई, लव यू। बिट्टू मेरे भाई, हमें जल्दी से नीचे उतार दो। इतने में वही चुड़ैल आ गई। बेटे तू फिर आ गया है यहाँ पर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बाजी, मैं अपने भाई को छुड़वाने के लिए आया हूँ। तू अपने भाई को एक शिप पर ले जा सकता है, इसके लिए तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर मैं तेरे भाई को आजाद कर दूंगी। ठीक है, मैं अपने भाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। याहू, वाह बिट्टू, दिल खुश कर दिया तूने। चुड़ैल बाजी, अब मुझे आजाद कर दो। मीठे भाई, आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे? देख बिट्टू, तू मेरा चार्जर नहीं है जो मैं तेरे बगैर जिंदा न रह सकूं। तूने मुझे आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, मैं इसे याद रखूंगा। मुझे भाई, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, मुझे आप पर बहुत नाज था, लेकिन आपने मेरा सारा नाज खाक में मिला दिया। मेरी चुड़ैल
पिताजी से दोस्ती हो गई है और इन्होंने मुझे कहा था कि तेरा भाई तुझसे नहीं बल्कि पैसों से प्यार करता है। अब भाई और भाभी आप दोनों यहीं सड़ो, मैं जा रहा हूँ। बिट्टू मेरे भाई ऐसा मत कर, मैं मजाक कर रहा था। हाँ बिट्टू अब पता लग गया कि ये किससे प्यार करता है। हाँ चुड़ैल बात की, बस अपनों की पहचान करने में गलती हो गई मुझसे। फिर चुड़ैल ने बिट्टू को बहुत सारा सोना दिया और वो सोना लेकर वहाँ से चला गया और मीठे को उसकी लालच की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।